नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में, आज हम बात करेंगे रजौली विधानसभा क्षेत्र की। रजौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नवादा जिले के अंतर्गत है। यह नवादा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित है। आइए जानते हैं रजौली विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। साल 2015 की बात करें तो मौजूदा समय में इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रकाश वीर विधायक है। वहीं वो राजद के सदस्य हैं और 2015 चुनाव में 70,549 वोट प्राप्त कर विधायक निर्वाचित हुए थे। उनके विपक्षी उम्मीदवार अर्जुन राम भाजपा के टिकट से रहे थे। उन्हें 65,934 वोट मिले थे और वो 4,615 वोट से शिकस्त हुए थे। अब चुनावी साल 2010 को देखें तो इस साल यहां भाजपा प्रत्याशी कन्हैया कुमार विधायक रहे थे। कन्हैया कुमार 51,020 वोट प्राप्त कर विधायक निर्वाचित रहे थे। उनके विपक्षी उम्मीदवार प्रकाश वीर ने राज्य से 36,930 वोट प्राप्त किया था और वो 14,090 वोट से पीछे रह गए थे। चुनावी साल 2005 के फरवरी में राजद के नंदकिशोर चौधरी विधायक रहे थे, लेकिन अक्टूबर में चुनाव में भाजपा से बनवारी राम विधायक रहे थे। अब अगर हम साल 2000 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस साल यहां से राजद का कब्जा रहा था। राजद के टिकट से राजा राम पासवान विधायक रहे थे। साल 1990 और 1995 के चुनावी नतीजों को देखें तो इस दोनों साल में बाबूलाल विधायक निर्वाचित हुए थे। बाबूलाल 1990 में भाजपा प्रत्याशी रहे थे, लेकिन 1995 वे जनता दल से थे। क्षेत्र के विकास कार्यों की तरफ देखें तो पथ निर्माण हुआ है, छात्रावास का निर्माण करवाया गया है, घर घर जल और बिजली पहुंचाई गई है, स्त्री शिक्षा में विशेष सुधार देखने को मिला है। वहीं चुनावी मुद्दों की तरफ देखा जाए तो महिला स्वास्थ्य अहम है। किसानों को देखें तो उनकी सिंचाई की समस्या गंभीर है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार अहम है। अगर हम बात करें शिक्षा की तो उसमें भी अभी विशेष सुधार होने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस बार यहां भाजपा से कन्हैया कुमार राजवार मैदान में है। वहीं राजद ने प्रकाश वीर को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट से बाजी मारने में कामयाब हो पाता है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।